दोस्तों आज के इस वीडियो में आप मेरे साथ में यात्रा कर रहे हैं सूखे रेगिस्तान की, थार मरुस्थल की, जहां चारों ओर रेत के टिल्ले हैं और कुछ हरे भरे वृक्ष खेजड़ी कीकर जिनमें खींप फोग तथा आँख के वृक्ष हैं। रास्ता समाप्त हो चुका है, रोड समाप्त हो चुकी है, कच्चे रास्ते से मैं जा रहा हूँ। आज का दिन दोस्तों मेरे लिए बहुत अच्छा नहीं था, क्यों नहीं था ये आप इस वीडियो में देखिए। दोस्तों आज मैं जाके आ रहा हूँ सिया के ननियाल। शाम के 6 बज रहे हैं, फिर भी जबरदस्त धूप पड़ रही है। ये जो एरिया है पूरा पश्चिमी राजस्थान का, इसी तरह का है पूरा पूरा। आप मेरे आगे आने वाले कई सारे वीडियोस में इसी तरह का एरिया देखेंगे। और वो देखिए, अभी एक झोंपड़ी दिखाई दे रही है, पूरा खेत खाली है। तो चलिए हम झोंपड़ी देख के आते हैं क्या चीज़ है वहाँ पर। यहाँ पर दोस्तों कई जगह पर कुछ कुछ 2-5-10 सांगरियाँ जरूर लगी हुई है। जैसे कि मैं जा रहा हूँ आगे, जो ये खेजड़ी है इसकी सांगरी अब तो खोखे बन गए, इनको हम सूखने के बाद में खोखा बोलते हैं, जो काफ़ी खाने में स्वादिष्ट भी होते हैं। देखिए शायद सांगरी लगी होगी तो किसी ने तोड़ भी ली होगी। अभी थोड़ी बहुत खोखे नज़र आ रहे हैं, नीचे कोई सूखा हुआ गिरा हुआ मिलेगा तो मैं बताऊँगा आपको। बचपन में हम खूब सारे खाते थे और ये मिल भी गया, वाह। कुछ लोग पूछ रहे थे कि सांगरी कौन से पेड़ के लगती है, तो सांगरी खेजड़ी के लगती है और सूखने के बाद में इस तरह से खोखा बन जाता है। ये देखिए, ये तो इतना साफ नहीं, बीच बीच में ये ख़राब है। ये देखिए जो कुछ सब्जियां ख़राब होती है ना, उसी तरह से साफ नहीं लगा हुआ है। जब ये हरा होता है तो इसकी सब्जी बनाते हैं, वही सांगरी होती है, एकदम कच्चा कच्चा जब होता है और सूखने के बाद में। करीब 10 साल होंगे होंगे, इससे ज़्यादा मैंने खोखे इतने सालों बाद खाए। जैसे जैसे इसका स्वाद जा रहा है मुंह में, वैसे वैसे पुराने टाइम याद आ रहा है, इस स्वाद की चीज़ उस टाइम खाते थे। इसमें भी है ना अलग अलग होता है, कई खेजड़ियों के अच्छे होते हैं, कई खेजड़ियों के इतने ज़्यादा अच्छे भी नहीं होते। इसके इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, ठीक ठाक है, और किसी के नज़र नहीं आ रहे। आप पूछ रहे थे भाई जगह बताओ, ये जगह जो है वो राजस्थान के बीकानेर जिले में है और तहसील यहाँ की लूणकंड सर, बीकानेर जिले की श्री डूंगरगढ़ और सरदार सर, तीनों के बीच में ये एरिया है। झोंपड़ी देखिए, देखते हैं, ये बहुत ही शानदार झोंपड़ी है। आगे इसको बंद किया हुआ था, अंदर कुछ भी नहीं है। ये झोंपड़ी जो है एक तरह से यहाँ पर पाए जाने वाला खींप होता है उसकी बनती है, लेकिन ये रोइड़ा की लकड़ी की बनी हुई लग रही है। इसमें क्या है कि हवादार होती है, तो गर्मियों के दिनों में जब लू चलती है राजस्थान में, जैसे अभी लू चल रही है, मैंने सर पे भी कुछ नहीं बांधा है, इतनी गर्म हवा आ रही है, लेकिन झोंपड़ी के अंदर जो है वो अगर पानी डाल दिया जाए ऊपर लगातार, मतलब लगातार पानी गिरता रहे, तो ये कूलर से भी एसी से भी ज़बरदस्त ठंडी रहती है। लेकिन आपको पता ही है सूखे रेगिस्तान डेजर्ट में कहाँ पानी की व्यवस्था होगी। इस इलाके में पानी भी बहुत नीचे है, कहीं 200-500 फीट नीचे, किसी किसी में 1000 फीट भी नीचे, मुझे पूरा आइडिया नहीं है, बहुत नीचे है पानी। तो इसीलिए देखिए यहाँ पर पानी की व्यवस्था कैसे करते हैं, मैं अभी दिखाऊंगा आपको। चलिए चलते हैं। और ये जो रेत के टिल्ले आप देख रहे हैं ना, ये अपना स्थान चेंज करते रहते हैं। जैसे ये यहाँ पर हवा से उड़ उड़ के आ गई, इस साइड से उड़ उड़ के चली गई नीचे से, सब ऐसे ही है। लेकिन ये पूरा डेजर्ट नहीं है, डेजर्ट ही है, लेकिन डेजर्ट के अंदर घास फूस उग जाता है ना, तो हमेशा वो चेंज नहीं होते इतने ज़्यादा। कुछ कुछ एरिया में जहाँ घास फूस नहीं होता ना, वहाँ एक टिल्ला आज यहाँ है तो कल वहाँ होगा। जबरदस्त ताती लू चल रही है, आपको मैं दिखाऊँ। दोस्तों इस तरह की झोंपड़ी जो है वो खेतों में जगह जगह बनाई हुई मिल जाएगी, इसलिए बनाते हैं ये झोंपड़ी
जब जैसे अभी श्रावण का महीना आएगा तो यहाँ पर लोग क्या करेंगे, बारिश जैसे ही होगी तो कुछ ना कुछ खेतों में बोएंगे, तो उस समय जो है वो खेत में ही आ जाते हैं लोग, यहीं पर रहते हैं और यहीं पर खाते हैं, काम करते हैं। गाय अगर खेत में कोई नहीं आ जाए, मतलब कोई आवारा गाय जिससे फसल को नुकसान हो, तो उनकी रखवाली करते हैं और यहीं रहते हैं जब तक दीपावली को फसल वापस नहीं निकालते। उसके बाद में वापस घर चले जाते हैं, तब से लेकर दीपावली से लेकर वापस श्रावण के महीने तक इसी तरह से सूखे पड़े रहते हैं खेत। कभी कभार इस एरिया में वैसे बारिश होनी कम होगी, कभी अगर सर्दियों में बारिश हो जाए तो सर्दियों वाली फसल लेते हैं, आजकल कम हो गया ये सब। और पानी का स्रोत क्या होता है वो मैं अभी दिखाऊंगा, किसी खेत में मिलेगा। जो लोग राजस्थान से बाहर रहते हैं या राजस्थान घूमने देखने कभी नहीं आए, राजस्थान के कल्चर को सिर्फ उन्होंने सिर्फ देखा है, किताबों में पढ़ा है, बस इतना पता है उनको, लू के बारे में इतना नहीं पता कि लू क्या होती है। ऐसे समझ लीजिए एक तपती आग होती है, ज़बरदस्त भट्टी होती है, उसके एकदम आप नज़दीक चले जाएं, वो वहाँ पर जितनी गर्मी होती है ना, वो गर्मी प्लस हवा चलती है, उतनी गर्म हवा चलती है, तो फिर वो लू का काम करती है। ठंडे प्रदेश के लोग गर्म प्रदेश में रह ही नहीं सकते। ये है पानी का स्रोत, देखिए खेतों में इस तरह से कुंड बना के रखते हैं और इसके चारों ओर एक बड़ा सा ये जो आप पार्ट देख रहे हैं थोड़ा पक्का बनाते हैं इसको, ताकि बारिश में जितना भी जैसे भी पानी बरसे वो पानी इसके अंदर इकट्ठा हो जाए और उसके बाद में जब खेत में रहते हैं तो इसी पानी को पीते हैं। अभी ये देखिए सीमेंट का बनाया हुआ है, कोई ज़्यादा पुराना नहीं है अभी के हिसाब से, और ये बहुत बड़ा बनाते हैं, इसमें थोड़ा सा पानी है अभी तो, और मैं साइड में हो जाऊँ, करीब 20-30 फीट का आराम से, इतना मोटाई के अंदर है। बारिश अगर अच्छी हो जाए तो ये भर जाता है, साल भर पानी इसका बहुत होता है पीने के लिए, और नहीं अच्छी हो तो फिर ये पूरा नहीं भरे तो फिर कहाँ से पिएंगे। चेहरा लाल हो गया, गाड़ी के अंदर मैं एसी भी नहीं चला सकता, पूरा शरीर मेरा गर्म है, और ना गाड़ी की जो गेट पूरे खोल सकता हूँ, कांच पूरे हटा सकता हूँ जिससे कि आवाज जो है वो यहाँ पर बाहर की ले सकूँ, क्योंकि वही लू गर्म, बहुत मुश्किल जीवन यापन होता है। और साथ ही मैं जिस एरिया से गाड़ी को लेके जा रहा हूँ, ये मिक्स कच्चा रास्ता है, गाड़ी कहीं फंस इस तरह का है तो मुझे गाड़ी दो नंबर में भगानी पड़ रही है, अगर कहीं फंस गई तो फिर वो भी समस्या हो जाएगी। देखिए दोस्तों इसी तरह से सारे खेतों में एक एक झोंपड़ी बनी हुई मिलेगी और एक पानी का कुंड। और जिन पक्षियों की हम बात कर रहे थे, देखिए दोस्तों अभी बेचारे कबूतर और चिड़िया और ये देखिए इस कुएं के आसपास यहाँ पर पानी पीने के लिए आए, ये दृश्य देखकर बहुत दुख होता है दोस्तों। प्लीज़ आपको अगर कहीं पर भी आप रहते हो चाहे इस तरह से व्यवस्था ज़रूर करें पानी की, ये तो है नहीं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर इस बहुत पुराना कुंड है, इसमें पानी भी है कि नहीं देखते हैं, है पानी तो लेकिन बहुत मुश्किल से सूखा हुआ तो पड़ा है, देखिए कहाँ पानी है। अब इस तपती गर्मी के अंदर जो कुंड है उनमें भी पानी सूख गया और इतना नीचे जाकर के ये पानी पीते हैं पक्षी बेचारे। और भूखे मरे नहीं, मरे प्यासे जरूर मर जाते हैं ऐसे रेगिस्तान के अंदर। तो भाइयों दोस्तों जितने भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज आप चाहे गांव में रहें, ढाणी में रहें, कहीं पर भी रहें, पक्षियों के लिए चाहे आप कुछ भी रखें बर्तन, उसमें पानी जरूर डालें। एक ये देखिए दोस्तों यहाँ पर और कुंड है उसी तरह का। और एक और दूसरी चीज़,
ऐसे डेजर्ट के अंदर अब सिर्फ पक्षी नहीं है, हिरण भी घूम, कई जगह पर हिरणी देख ली। अब ये देखिए एक और हिरण है यहाँ पर। अब आप कल्पना करिए कि ये पानी कैसे पीते होंगे, जरूर पानी के लिए गांव की तरफ भागते होंगे। ये देखिए ये हिरण है, पीछे भी कई सारे हिरण मैंने देखे थे इसी तरह से। यहाँ आसपास कोई कुएं ट्यूबवेल भी नहीं है इस एरिया के अंदर, हालांकि कई गांव में है, लेकिन जहाँ मैं अभी चल रहा हूँ यहाँ तो नहीं है। शायद पानी ज्यादा नीचे होगा, यही कारण होगा। ऐसे रास्ते से अगर वापस आना चाहें तो नहीं आ पाए, ये गाड़ी मुश्किल से चढ़ेगी। पानी पी लेते हैं, पानी बहुत जरूरी है। एक तो तपती का मौसम, ऊपर से घर से चला था तब मम्मी ने कहा पानी साथ में लेके जाओ, नहीं तो मैं प्यासा मर जाता। आज क्या है कि मैं अपने ससुराल नहीं जाऊंगा, सुबह जाऊंगा ससुराल। तो अभी एक रात के लिए अपनी मौसी के यहाँ रुक रहा हूँ, उनका भी इसी रेगिस्तान में कहीं एक ट्यूबवेल है, वहीं पर रुकेंगे। दोस्तों आज के इस दिन मैं आगे जहाँ जाना चाह रहा था मौसी के यहाँ नहीं पहुँच पाऊँगा, यह किसी दूसरे गांव में मैं फंस गया हूँ। क्योंकि जिस पिछले रास्ते से आपने देखा है आते हुए, वहाँ से क्या हुआ कि ये जो आपने देखा था इस वाले चढ़ाई को नीचे, मुझे पता नहीं था इतनी खतरनाक नीचे ढलान थी, और इस ढलान के अंदर इतने बड़े बड़े दोनों साइड से टायरों के जगह पर खड्डे थे कि गाड़ी बीच में से नीचे टकराई, टकराने के बाद में ऑयल लीकेज हो गया, क्योंकि रास्ते के बीच में जो बड़े बड़े पत्थर और कंकर थे वो टकरा गए। मुझे इसका पता नहीं था कि ऑयल लीकेज हो रहा है, और इससे आगे जहाँ तक रोड आई वहाँ तक मैं कंटिन्यू चलता ही गया, इसे ऑयल जो है गाड़ी में ख़त्म हो गया। फिर रात को पापा दूसरी गाड़ी लेकर के आए और इसके टोचन करके हम वापस अपने घर गाड़ी लेकर के गए। दूसरे दिन ठीक होने के बाद में जो ऑयल फिल्टर लीकेज हो गया था वो चेंज किया, और फिर अब दोबारा से मैं जा रहा हूँ अगले दिन। दूसरे दिन शाम को मैं पहुंचा हूं अपनी मौसी के यहाँ, खेत में ढाणी है। लेकिन एक और मुसीबत इस दिन शाम को आ गई, जबरदस्त आंधी और अंधकार। वैसे तो दोस्तों रेगिस्तान के इस रेतीले इलाके में गर्मियों के दिनों में आंधियाँ इसी तरह से चलती रहती है, लेकिन यह आंधी और भी ज़्यादा मुसीबत वाली थी। हम रात को जो है वो नई नई ये डाणी है यहाँ पर बाहर ही चारपाई के ऊपर सोए, पूरी रात इसी तरह से आंधी चली।
पूरी रात रेत बरसने की वजह से आज जो आंखें पूरी तरह से चिपक गई, खुलने भी मुश्किल थी। दोस्तों ये मेरी मौसी है और ये मेरी छोटी सिस्टर है। यहाँ पर खुली रखते हैं गाय भैंस, इसी तरह से खुले में ही चराते हैं खेत में। कितनी भैंस दूध देगा अभी? एक भैंस, दो, तीन गाय। और आंधी का मजा मुझे आज ही है। इतने दिनों अभी मैं सुबह उठा हूँ, उठने के बाद में अभी तक मुंह नहीं धोया। मैं सोच रहा हूँ कि या नहीं तो दौड़ने के बाद में भी रेत लगने वाली है। और मास्टर जी राम राम। खेत में कैसे पाओ बाजरी? कितना बीघा? 40 बीघा बाजरी। बाकी 5000 5000 खाली। कितनी टोटल की थी? 60। अब दोस्तों सुबह सुबह का मौसम है, आंधी तो अभी तक रुकी नहीं है। चलिए चलते हैं सिया को लाने के लिए। इन रेत के टिल्लों के बीच जा रहे हैं। आज बहुत धूल भरी आंधी चल रही है और सड़क के बीचों बीच भी देखिए कांटे बाढ़ वाले उड़ के आ गए हैं। जैसे सिया को गाड़ी दिखी दौड़ते हुए भाग कर आई। और यह मोमेंट और अभी जो आने वाला है इस वीडियो का मेरे लिए सबसे बेस्ट मोमेंट है। बात कौन करी? क्यों बेटा? मैं बात करी। बात करी? मैं तेरी बात करी। आ गया। आ गया? हाँ, तू पापा है। पापा है? दिखी की तू? हाँ, मैं दिखी। एक मेरी। टोपी? टोपी है? टोपी है? ले टोपी ले ले तो ले। आ जाओ। किसने? मेरे साला जी विशेष पबजी प्लेयर। दोस्तों ससुराल में जो खेत में रहते हैं तो अभी हम वहीं मिल करके आ रहे हैं। मैं एक रात यहाँ पर रुकने वाला हूँ, कल सुबह वापस यहाँ से जाएंगे।
और बोल सिया लाइक करे शेयर करे कमेंट करे सब्सक्राइब याद है सब्सक्राइब करें।